Can you tell me what is going on inside you? और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कचरा है। मैं पहले ही बताया, अभी फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पिकनिक करने आते हैं, लेकिन ये सब चीज जो कचरा करते हैं ये पसंद नहीं लगता है। Tell me one thing, do another. Tell me where you stand. This is a new palace for me. क्योंकि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम लोग आए हैं फोटो शूट करने के लिए गाड़ी सबके यहाँ पे, और जबरदस्त आज का प्लानिंग है क्योंकि फोटोज बहुत दिन हो चुके थे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं एक जमाना पहले फोटो छोड़ा था, अभी नहीं छोड़ा हूँ। हमेशा की तरह साहिल आज का फोटो शूट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देने वाला लड़का है फोटोज के लिए, इसीलिए तो बस स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग फुर्ती के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस यू फाइन। और फोटो शूट करते हैं अच्छा से, आप लोग स्टिल देखोगे तभी आप लोग बिना स्किप किए देखोगे तब जाके आपको पता चलेगा। और जगह का बात करूँ, जगह बहुत ही अच्छा जगह है, इस जगह का लोकेशन मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ये जो आप लोग देख सकते हैं ये आम का पेड़, मतलब आम का बगीचा है, मुझे नहीं पता कि हम क्या आम का बगीचा भी है लेकिन है अभी पता चला। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नदी है, ये इप नदी है, वहाँ पे है बजराज नगर जहाँ पे मेरा घर है, और ये है झासुड़ा। इप नदी पार करो, झासुड़ा में एंट्री करो। मुझे तो पता नहीं था कि झासुड़ा जल्दी पहुँच गए हम लोग। ऐसा शांत प्लेस में आके शांति दिमाग से फोटो शूट करने का मजा ही कुछ और है। मुझे ऐसा टाइप का फोटो शूट अच्छा लगता है जहाँ पे मैं शांति से रहूँ, शांति से आप लोग से बात करूँ और फोटो शूट करूँ। इससे अच्छा कुछ होता नहीं, जब आप लोग शांत माइंड में रहते हैं तो फोटोज़ बहुत अच्छा आते हैं, ये नेचुरली तरीक़ा से आएगी अच्छा। अब फोटोज़ अच्छा आएगा तो उसमें एडिट करने ज़्यादा पंचायती नहीं होता है, तामझाम नहीं लगता है, एडिट भी अच्छा हो जाता है। एंड यू कैन सी माई डैमेज हेयर, थोड़ा सा मैसी टाइप का लग रहा है लेकिन अब एडजस्ट करूँगा। पानी है यहाँ पे, थोड़ा सा पानी मारूँगा बाल में। अरे बाल ठीक करने चक्कर पानी डाल दिया, बाल गया डिज़ाइन। नहीं नहीं पानी नहीं मारूँगा, नहीं नहीं नॉर्मल तरीके से हम लोग झासुड़ा आते हैं तो लगता है 15 किलोमीटर लगभग लग जाता है, लेकिन जब हम यहाँ पे आए हैं पेपर मिल के रास्ता से तो बस 2 किलोमीटर की 3 किलोमीटर लगा हम झासुड़ा पहुंचे, बस ये नदी पार करने का ही देरी था। तो मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ फॉर फोटो शूट, बिकॉज अगर मैं लेट करूंगा तो ये लोग फोटोज खींचे सब कैमरा का बैटरी खत्म, जल्दी ये लोग कैमरा का बैटरी खत्म कर देंगे। तो मैं कुछ कम से कम 2 फोटो तो आए यार, कम से कम थंबनेल तो निकल जाए यार, और क्या चाहिए। तो जल्दी से मैं ड्रेसअप करता हूँ। ओके गाइस, सो दिस इज माय आउटफिट एंड दिस प्लेस वाज अमेजिंग, एंड दिस इज विजय, दिस इज अ पोज। ओके, सो से समथिंग फॉर दिस प्लेस, उड उड उड, से समथिंग फॉर दिस प्लेस, उड 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 उड। ही इज वेरी गुड फोटोग्राफर। ये जो आम का बगीचा है यहाँ पे बहुत लोग पिकनिक और पार्टी करने आते रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना बहुत सारा पूरा मेसी हो रखा है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे ग्लास और डिस्पोजल और थाली वाली जो है पार्टी का फेंक देते हैं, मतलब इतना अच्छा जगह को भी कचरा करना जरूरी है। और यहाँ पे चूल्हा बना हुआ है। एक चीज नोटिस करने वाला बात यह है कि यहाँ पे आम का सीजन लगभग आ चुका है और यहाँ पे एक भी आम दिख नहीं रहा, मुझे आम का फूल भी नहीं दिख रहा है। राइट नाउ इट्स 11:30 एंड अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है और मैं इतना मोटा जैकेट पहना हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। तो जल्दी से फोटो शूट खत्म करता हूँ, उसके बाद मैं जल्दी से इसको खोलता हूँ। 20 minutes later अभी यहाँ पे ट्रेन जा रहा है और आप हम जो देख रहे हैं मिल, वो है पेपर मिल। एक टाइम में बहुत फेमस जगह था पेपर मिल, जब पेपर मिल था तो यहाँ पे जगह देखने लायक रहता ना साइड। पेपर मिल चल रहा था तो पूरा इतना फेमस था कि नौ बोलो पूरा, मतलब बहुत खूबसूरत बजराज नगर। यहाँ पे जो पानी बहुत अच्छा दिख रहा है, मुझे वो जगह पसंद आया, पत्थर फोटो खिंचाए क्योंकि वहाँ पे जाने का सुविधा नहीं है, सुविधा हम लोग को तैर के जाना नहीं है। चलो यहाँ से तो ये देख लाल, अबे भाई मोर पूरा नीलामी कर चल, अबे मोर शर्ट मांग कर। तो फोटो शूट लगभग कंप्लीट हो चुका है, मतलब निकलने का तैयारी चल रहा है, जगह बहुत अच्छा, लेकिन अब क्या करें, अब भूख लग रहा है तो खाना का सुविधा यहाँ पे नहीं है, हम लोग कुछ खाने के लिए कुछ लाए नहीं है। अब निकलते हैं। जो पेड़ आप देख सकते हैं पीछे में, ये येलो वाला पेड़, तब ये येलो पेड़ नहीं है, ग्रीन पेड़ ही, लेकिन वहाँ पे धूप पड़ रहा है इसलिए येलो, बस यही प्रॉब्लम हो रहा फोटो शूट के लिए, यहाँ पे एक जगह धूप पड़ रहा है, एक जगह धूप नहीं पड़ा तो फोटो अच्छा नहीं आता है, उससे मैं एडजस्ट करके खींच रहा। मैं यहाँ से 2 या फिर 3 फोटो ही आया मेरा अच्छा, इसको मैं इंस्टाग्राम अपलोड करूँगा तो जरूर से फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम, यहाँ पे यूजर है हमारा, लिंक इन बॉक्स बिलो, जाओ क्लिक करो देख लो एक बार, फेसबुक पे ही है। और अपना मर्दे भाई पूरा फुल बॉडी के साथ तसन में।
आज का दिन मुझे मन नहीं था फोटो शूट करने का, ये लोग बुलाए तो मैं आ गया, इसलिए उतना मैं इंटरेस्ट नहीं दे रहा हूँ। दो चार भी फोटो खींच रहा हूँ, बाकी लोग तो खींच ही रहे हैं तो कौन जाएगा, ताम झाम में घुसेगा। लेकिन एक चीज़ है, मैं अगले महीने एक बहुत अच्छा फोटो शूट करने वाला हूँ, पर्सनल सिर्फ मेरा रहेगा, अकेले मेरा। उसमें क्या होगा कि आप लोगों को मैं तरीका बताऊंगा कैसे रहेगा फोटोज खींचना चाहिए। इस वीडियो में तरीका नहीं दिखा रहा हूँ, उसमें तरीका दिखाऊंगा और शायद तक मैं एडिट करना भी आप लोगों को सिखाऊंगा उसमें। तो जल्दी से आने वाला है वो ब्लॉग, तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब उसको ठोक दो। एंड नहीं कर रहा हूँ वीडियो, बस बोल रहा हूँ। मैं जब मैं अपना जूता पहन गया तो मस्त चमक रहा था, लेकिन अभी देख सकते हैं इसका हालत हो गया है ख़राब। और यहाँ पे पिकनिक का जुगाड़ ये सब हम लोग नहीं किए हैं, ऑलरेडी आगे से था यहाँ पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कचरा है, पहले ही बताया, अभी फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पिकनिक करने आते हैं लेकिन ये तो चीज़ जो कचरा करते हैं ये पसंद नहीं लगता है। गाइस शाम के 5 बज रहे हैं और आज मैं इतना अच्छा फोटो क्लिक किया हूँ जो आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खींचा था। मतलब फोटो सिर्फ 2-4 ही खींचा हूँ और कितना तो अच्छा आया, 0 फोटो, एक भी फोटो नहीं आया अच्छा। 2 ही तो खींचा हूँ, दोनों ही में एक ख़राब है। मतलब आज मेरा फोटो खिंचाने का मूड तो नहीं था, लेकिन मैं ध्यान भी नहीं दिया, मैं पोस्ट किया और वो खींचा, कैसे खींचा मैं वो ध्यान ही नहीं दिया, घर आके देखाऊंगा एक तो भी ढंग का फोटो नहीं, मूड ऑफ हो गया। लेकिन जैसा भी है आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, इंस्टाग्राम में अपलोड करूंगा। अच्छा फोटो सब करते हैं लेकिन मैं ख़राब फोटो अपलोड करूंगा, देखो ऐसा ख़राब फोटो ही होता है। बस गाइस छोटा सा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, छोटा नहीं, वो एडिट करूंगा तब पता चलेगा छोटा हो रहा है कि लंबा हो रहा है। सिर्फ फोटो ही नहीं, ये ब्लॉग भी शायद आज तक का सबसे खराब ब्लॉग है मेरा। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो एनी रीजन क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब भी कर देना। ये अभी ये वीडियो के सब्सक्राइब मत करो, मेरा बाकी का वीडियो देखो उसके बाद सब्सक्राइब करना। तो बस इस वीडियो का यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नया के साथ, फिल्म लेंगे चलते चलते, बाय। I hit the function, hit the road right till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. Boss, this is what I'm doing. I'm going to go. Let's enter inside. Let's go. I'm going to go.